ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਚੌਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਨ ਚੌਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭੀੜ ਥੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਜੋ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਹਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਚੌਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਥੇ ਵੋ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਤੁਮ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭੀੜ ਥੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਥੇ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਪਕੜ ਲੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ, ਕਿਸਨੇ ਕੀਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਨਾ, ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋਚ ਕਰ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਨਾ, ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ। ਨਵੀਨ ਚੌਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਨ ਚੌਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੀਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਕਾ। ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਆਪ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੈਂ, ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਸੇ ਹੂੰ, ਭੋਪਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਦੂਰ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਨਰਮਦਾ ਕਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਪੈਦਾ ਹੁਆ ਪੱਲਾ ਬੜਾ। ਆਪ IIT ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ 2010 ਮੈਂ IIT ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਥੇ, ਤੋ 2015 ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਸੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਹੀ ਹੈਂ ਤਬ ਸੇ। आप आपकी उम्र भी इतनी नहीं है, आप मतलब इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे अच्छे, तो उसके बाद एकदम में कुछ ऐसा क्या आपको लगा कि मुझे ऐसा कुछ लिखना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए? क्योंकि कविताएं जो बहुत सारे कवि हैं, मोहब्बत के बारे में लिखते हैं, अपनी महबूब के बारे में लिखते हैं, माँ के बारे में लिखते हैं, आप इस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है देश में, सामाजिक मुद्दों पर, नवीन को इन बातों पर क्यों लिखना पड़ा, कोई इंसिडेंट हुआ? जी, इंसिडेंट की बात नहीं है, सब देखिए कि बहुत दिनों से मतलब कविता की एक तो कवि अगर कविता की बात करूँ, कवि के करियर की बात करूँ, तो कवि आई थिंक सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इंसान होता है। कई राजाओं जैसे राजा भोज थे, वो अपने राजा अपने से ऊंचा आसन पे बैठा था, देता था। फिरदौसी जो मोहम्मद गजनवी के साथ थे, वो बहुत उनको ज़्यादा सम्मान मिलता था। तो पोएट्स को हमेशा ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। अगर आपकी सोसाइटी में कुछ भी गलत हो रहा है, तो आप किसी सरकार को ब्लेम मत कीजिए, सिर्फ अपने कवियों को ब्लेम कीजिए कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वरना उस समाज के अंदर इतनी इंसानियत होती कि ये चीज़ नहीं हो पाती। तो अगर इंसानियत की कमी है, जैसे मॉब लिंचिंग हो रही है, किसी का दर्द, सामने वाले का दर्द महसूस नहीं हो पा रहा आपको, तो वो कवियों की गलती है। तो उसकी जिम्मेदारी समझते हुए एक ऐसी कविता मैंने लिखी थी जो मेरी खुद के खिलाफ थी, कि तुमने मुझे मौन स्वीकृति दी है, तुमने मुझे मौन स्वीकृति दी है, जब आवश्यकता थी कुंठा की कर्कश ध्वनि की, तुम सरों की लावण्यता पर मोहित थे, जब चाहिए था वास्तविकता का दयनीय दृश्य, तुमने कागज पर कल्पनाएं उखेरी, तुमने मुझे मौन स्वीकृति दी है। तो फिर मुझे लगा कि मैं मौन स्वीकृति ये नहीं दे सकता, मेरे सामने हो रहा है और मैं इसके खिलाफ ना बोलूं। बचपन से एक आदत है साहब, वो कोई इंसिडेंट से नहीं हुआ। आपने अभी हम इंसिडेंट जो आप इवेंट पे हम आ रहे थे, जहाँ पे आप हमने आपको देखा परफॉर्म कर रहे थे, आप ये भी कह रहे थे कि मैं छोटा सा कतरा हूँ और तूफानों के खिलाफ खड़ा हूँ। क्यों ज़रूरत पड़ जाती है कि एक कतरा
मतलब एक ही कतरा रह जाता, आपको लगता है भी कतरे हैं जो वो उनके साथ समुंदर साथ नहीं देता? जी समंदर साथ नहीं था, वो वसीम बरेलवी साहब का शेर था जो मैं सुना रहा था कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं आपके हौसलों की बारी है, मैं कतरा हो के तूफान से जंग लड़ता हूँ, मैं कतरा हो के तूफान से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। वो आदमी उठ तो गया जिसकी आवाज़ दबा दी गई। अब जिस लड़की, जैसे मैंने वहाँ पे ये बात भी कही, भारत में हर 15 मिनट में रेप होता है, एक रेप होता है एवरेज, 1 घंटे में 4 रेप हो रहे हैं भारत में हर दिन, तो हम ये इस कन्वर्सेशन के बीच में एक रेप हो गया, मैं सबको कह रहा हूँ आप गिनिए ना, अगर वो लड़की यहाँ खड़ी होती है जिसका रेप बाजू में रेप चल रहा होता तो क्या हम ये इंटरव्यू कर पाते? तो वो संवेदना की कमी, हमको महसूस नहीं हो रहा कि हमारे सामने गलत हो रहा है, लेकिन हो रहा है, तो मैं उसको बस उजागर करने की कोशिश करता हूँ, कम से कम कोई ये ना कहे कि मेरे को पता नहीं चला। मैं उसको कहना चाहता हूँ आप चूज करो, अगर आप किस तरफ हो, मुक्ति बोध जी कहा करते थे तय करो किस ओर खड़े हो, तय करो तुम किस तरफ खड़े हो, तो किस तरफ खड़े हो आपको पता होना चाहिए। अगर हो सकता है आप ऐसे, मुझे उन लोगों से कोई तकलीफ नहीं। जो लोग रेप करते हैं वो तो उनकी मानसिकता के पे डिपेंड करता है कि बहुत घटिया मानसिकता हो किसी लड़की को इतना, मतलब अपना हवस के लिए, उस पर सरकार को क्यों ब्लेम कर सकते हैं हम? क्या आपको क्या लगता है? नहीं नहीं जी, मैं सरकार किस तरीके से जिम्मेदार? जी स्पेसिफिकली अगर रेप की बात करें तो मैं इसमें किसी सरकार को दोषी नहीं मानता। आपके प्रॉब्लम ये नहीं है कि समाज में रेप हो रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि समाज में रेपिस्ट हैं, और उस पे किसी, जैसे उस पे भी मैंने एक कविता है इसमें, अगर तुम सच बता देते, जिस तरह से हमारे बच्चों को पाला जा रहा है वो बहुत गलत है, और इसमें किसी सरकार का कोई हाथ नहीं, ये हमारे समाज की गलती, हमारे कवियों की गलती है कि उन्होंने इस पे अब तक पालन पोषण गलत है, पालन पोषण गलत है। देखिए साहब होता क्या है कि एक घर में, हमारे घरों में जो इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड है उसमें लड़कियों को अलग तरीके से बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं, लड़कों को अलग तरीके से पालते पोसते हैं। लड़कों को पता होता है कि ये लड़कों को इस तरह से पाला जाता है, लड़कियों को पता होता है कि लड़कियों को इस तरह से रहना है। इसके साथ एक और समस्या है कि लड़कों को ये भी पता होता है कि लड़कियों को इस तरह से रहना है। तो जब रेप होता है, रेप के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप उसको स्टडी करें, एक होता है पैट्रियार्कल रेप, वो उस हवस की वजह से नहीं होता, वो औरत को औकात दिखाने की कोशिश है कि मेरे घर की औरतें इस तरह से रहती हैं, तू भले मेरे घर की नहीं लेकिन तेरे को भी ऐसा ही रहना पड़ेगा जैसे मेरे घर की औरतें रहती हैं, क्योंकि मेरे को सिखाया गया कि औरतें ऐसी रहती हैं, तू अपनी हदों से बाहर। उसके घर में जो हदें बनी है ना, उसकी वजह से, उसके घर में जो लड़कियों पर बंदिश है उसकी वजह से वो दूसरी लड़कियों को भी वो बंदिश नहीं तोड़ने देना चाहता। तो ये पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट है, पैट्रियार्की एक पितृसत्तात्मक सोच है कि औरतें नीचे रहेंगी, पांव की जूती बना के रखना चाहते हैं। हाँ ये जो है पैट्रियार्कल रेप, जब औरत को उसकी औकात बताई जाती है, जब मर्द इस तरह से सोचता है कि मैं तेरे को बताऊंगा तू क्या है, मैं तेरे सब कुछ छीन लूंगा तुझसे, तेरे शरीर को वायलेट करूंगा। बताइए उसके शरीर के अंदर का हिस्सा उसका नहीं है, उसमें बिना परमिशन के घुस रहा, आपके घर में कोई बिना परमिशन के घुस रहा है, अब क्या कीजिएगा? उसके शरीर के अंदर घुस गया, उससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा घिनौना कृत्य क्या हो सकता है? उसका शरीर भी नहीं उसका छोड़ा। और नवीन जी, शाहीन बाग के बारे में आप बोलते हैं, जो जिस लोग जो आपको सुनते हैं वो शाहीन बाग की सपोर्ट करते हैं, शाहीन बाग एक बहुत चिंताजनक विषय है हमारे देश का इस समय, क्यों किसी लोगों को इतना बड़ा हाईवे जाम करने की जरूरत पड़ी, क्यों इतनी औरतें अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर के काम काज छोड़ के, वो औरतें जिनको एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ये कभी पर्दे के बाहर आएंगी, तो वो वहाँ पे बैठी हैं, क्यों लगता है, क्यों होता होगा ऐसा? जी शाहीन बाग से, क्योंकि मैं वहाँ पे, मैं दिल्ली में जितने भी प्रोटेस्ट साइट है, शाहीन बाग तो खैर एक हुआ, और भी प्रोटेस्ट साइट पे जाता रहता हूँ, मैं अभी कलकत्ता में था, बंगाल में भी काफ़ी अंदर, आसनसोल, रानीगंज जो कि बहुत अंदर के इलाके, वहाँ जाके भी, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट बैठे, वहाँ पे कोई मीडिया नहीं,
तो ये जो कह रहे हैं मीडिया अटेंशन के लिए, पहले वो बात तो यहीं से खारिज हो जाती है कि आसनसोल में क्यों बैठेगा, वहाँ पे कोई मीडिया नहीं, सब बैठे इसलिए हैं। अब देखिए मैं जहाँ जाता हूँ, जैसे मैं आसनसोल में था, वहाँ नारे लगाए हमने कि तख्तो ताज हिला देंगे, शाहीन बाग बना देंगे। शाहीन बाग अब प्रोटेस्ट नहीं है, मेटाफर है, और ये चिंताजनक बात नहीं, ये इकलौती उम्मीद की किरण है भारत में इस वक्त। क्योंकि अब देखिए दिल्ली में जिनको बैठने की जरूरत पड़ रही है, ये तो चिंताजनक। हाँ जी जी, देखिए कि दिल्ली में रात, अब तुम्हारा तो क्योंकि 24/7 प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली में रात में 2 बजे किसी भी इलाके में कोई लड़की घर से अकेले नहीं निकल सकती। शाहीन बाग में खड़े होके वो अकेले घूम रही, जिस रेप की बात कर रही, शाहीन बाग में कोई रेप नहीं हो सकता, औकात किसी के करके दिखा दे, किसी लड़की को हाथ, वहां पे कोई, इतना भीड़ वाला इलाका हो चुका है, वहां पे एक बार अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि जेब कफ्तरों से सावधान, क्योंकि वहां इंसानियत है, वहां जमहूरियत, जिस जमहूरियत का वादा था जो फैज नस में कहते हैं, शाहीन बाग में बैठे लोगों में इंसानियत है, देश में नहीं है किसी के पास। मैं उस बात को कहना चाहता हूं कि शाहीन बाग क्यों बना, जो शाहीन बाग है वो हमारा वादा है, जिस डेमोक्रेसी का हमसे वादा किया था वो बना है, वहां पे सब आजाद है, अपने हक की बात कर रहे हैं, कोई भी इंसान चाहे, जैसे अगर यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी से कोई जाए, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से आया, मैं बोलना चाहता हूँ, वो मैं जाके बोल सकता है, वो बोल ये भी बोल सकता है कि मैं NRCCA का अपोज नहीं करता, लेकिन अर्थव्यवस्था खराब हुई है, उससे मेरे को प्रॉब्लम है। जिस भी चीज से आपको प्रॉब्लम है, आप शाहीन बाग पे जाके प्रोटेस्ट कर सकते हो उसके खिलाफ, क्योंकि लोग इकट्ठे हैं। उसको मतलब आपने ऐसा बना दिया कि वो देश के, देश में जो किसी को कुछ पसंद नहीं है तो वो एक प्लेटफॉर्म है, कमजोर के हक की बात कर रहा है शाहीन बाग, और ये बात लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि जिनके पास ताकत है। उसको रोड पर जाम करके क्यों कर रहे हैं? रोड सर जाम करना पड़ेगा क्योंकि वो जगह ऐसी है। अब देखिए ये रोड जाम करने वाला जब मसला उठाते हैं, मुझे ये बताइए हम तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते जब कोई VIP निकलता है और रोड डाइवर्ट करते हैं, तब भी तो ट्रैफिक परेशानी होती है। बिल्कुल, वो परेशानी जायज है। क्यों? क्योंकि वो राजा है क्या? अब हम भूल गए कि वो राजा नहीं है, कि राजा की सवारी निकल रही, वो एक आम इंसान है जिसका काम, जैसे मेरा काम है कविताएं सुनाना, एक रिक्शे वाले काम है रिक्शा चलाना, वैसे प्रधानमंत्री का काम है प्रधानमंत्री होना। हीरो नहीं है, राजा नहीं है कि उनका जन्मदिन है। मैंने एक इंटरव्यू में पूछा कि आपने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन उनमें क्या कहना चाहेंगे, उसमें कहने वाली क्या, राजा थोड़ी है कि उसका बर्थडे मनाऊंगा मैं। प्रधानमंत्री है, अच्छा होगा बुरा होगा, काम कर रहा है अपना, जिस जो भी काम है उसका कर रहा है। लेकिन शाहीन बाग में ज्यादातर पॉपुलेशन मुसलमान बैठे हैं, जब भी आप जैसे प्रोटेस्टर कुछ आवाज उठाते हैं, कभी आवाज उठाते हैं तो मुसलमानों के हक में उठाते हैं। अच्छी बात है, किसी दूसरी कम्युनिटी का बंदा दूसरे साथ अगर उनको लगता है धक्का होता है तो वो आता है, ये देश का सेकुलरिज्म दिखाता है, देश की इंसानियत बदरुखुट दिखाता है। आपको क्यों लगता है कि ये सब मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों होता है? अगर होता है तो क्यों करते होंगे मुसलमानों के खिलाफ? जी मैं क्यों आवाज उठाता हूँ, मैंने एक शेर सुना था पता नहीं किसका, वो कह रहे थे कि इतनी तो होनी चाहिए हम तुम में दोस्ती, इतनी तो होनी चाहिए हम तुम में दोस्ती, मस्जिद पे हो सवाल तो मंदिर जवाब दे, इतना होना चाहिए। बिल्कुल इतना होना चाहिए, इसी सेकुलरिज्म की बात थी। तो अगर मेरे सामने, और देखिए सिर्फ मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रहा है, जो इंसान मुस्लिमों को हेट कर रहा है, जो नफरत हमको हर तरफ दिख रही है आजकल, जो मॉब लिंचिंग पे जा रहा है, वही भीड़ है जो दलितों को, दलित लड़कियों का रेप कर रही है, वही भीड़ है जो गार्गी कॉलेज में घुसी, ये जो कमजोर तबके हैं, देख लीजिए अभी जैसे ये कह रहे हैं मुफ्तखोरों की सरकार बना दी दिल्ली में, क्योंकि गरीब ने अपने लिए कुछ किया तो ये मुफ्तखोर हो गया, ये अमीर आदमी कह रहा है जो जो जिसके अपने पावर, और अमीरी को हमको समझना पड़ेगा इस बात को कि पहले जमीनें होती थी, जमीन ताकत थी, जिसके पास जो सबसे बड़ा जमींदार वो सबसे ज्यादा ताकतवर, फिर पॉलिटिक्स पावर में आई, अब फिर पैसा पावर में, वो ताकत का मतलब है जिसने पैसा इकट्ठा कर लिया उसके पास ज्यादा ताकत है, तो उस ताकत के खिलाफ उससे जो भी कोई वो ताकत खींचना चाहता है, जो चाहता है कि ताकत सब में बराबर बैठे, उस जब भी वो अपना वोट डालता है उसको वो मुफ्तखोरों की सरकार कहते हैं। नहीं तो, ये भी आप सही कह रहे हैं, इस मतलब जो कमजोर हैं उनको दबाने की शायद कोशिश हो रही होगी। जी मैं, पर आपका जो सवाल था कि मुसलमान क्यों, देखिए
वही जो इंसान मुस्लिमों से नफरत करता है, वही इंसान दलितों से उतनी नफरत करता है, वही इंसान औरतों को पैर की जूती बना के रखना चाहता है। मेरी बात पूरी करने दीजिए ना, आप काटते रहेंगे तो फिर आप ये कि आप समझना नहीं चाह रहे, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ। मैं कुछ और आपका नहीं बोलना चाहता, मेरे अंदर जो है मैं वो समझना चाहता हूँ, वरना फिर कोई बात ही नहीं बोली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इंसान मुस्लिमों से नफरत कर रहा है, वही इंसान दलितों से भी नफरत कर रहा है, वही इंसान औरतों से भी उनको पैर की जूती बना के रखना चाहता है, उनका नफरत करना, वह उनके लिए मांस का टुकड़ा है। ये सेम आदमी है, इसको कहते हैं मनुवाद, ब्राह्मणवाद। मनुवाद से आजादी का जब नारा लग रहा है, इस चीज से कि इन लोगों के पास इकट्ठा है हमेशा से। देखिए भारत में हमेशा से एक हिसाब रहा कि बात करके जुगाड़ करके, अरे मेरे मामा वहाँ पे हैं, मेरे चाचा वहाँ पे, उनसे बात कर लो नौकरी लग जाएगी। उस टाइम तो ऐसी लगती थी, कुछ ही लोग पढ़ते थे। पढ़ते कौन लोग थे? एक एक पर्टिकुलर ग्रुप। नौकरी किनके लगती थी? उस पर्टिकुलर ग्रुप की। कनेक्शन किसके होते थे ऊपर कि अच्छा वहाँ पे मेरा भाई आईएएस है, मेरा मामा है, पर्टिकुलर ग्रुप। ये ग्रुप हमेशा से ऐसा ही बढ़ता रहा है और अपने पास बढ़ता क्या, अपने पास ताकत इकट्ठी करके रखी। अब जैसे ही इस ताकत को इनसे जो भी लेना चाहता है, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है, मुस्लिम आए तो अब मुस्लिम ताकत, मतलब यह है कि उनके पास भी थोड़ी थोड़ी ताकत होगी। अब उनमें तो क्योंकि जातवाद वाला हिसाब नहीं है, मुस्लिम को ये नहीं बोल सकते कि तुम हमें नीचे जात के हो, तो कहते हैं तुम दूसरे धर्म के हो। दलित को कह सकते हो तुम नीचे जात के हो, तुम नीचे जात के हो। औरत को कह सकते हो तू औरत है तो तू औरत है, क्योंकि ताकत मेरे पास रहेगी। सिख तो इसमें फिर माइनॉरिटीज और भी हैं, सिख धर्म है, क्रिश्चियन है, ज्यादातर मुस्लिम के साथ होता है। मैं आपको एक थोड़ा एक जो मुझे लगता है, जो मैंने सुना है, आपको वो लगता है कि लोग कहते हैं, कई बार ये बात सुनने को आती है कि मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया बहुत लंबे समय पे, तो वो मुगलों पे हम पे राज किया वो तो नलायकी हमारे राजाओं की थी, जो अगर उन्होंने दुष्ट भी किया, लेकिन आपको लगता है कि उसी का बदला हो रहा है ये? देखिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुगलों ने हम पे राज किया तो पुष्प मित्र सिंह ने क्या किया, बाकी राजाओं ने क्या किया, क्या कर रहे थे? राज ही तो कर रहे थे ना। अंग्रेजों ने क्या किया? राज किया। अभी हम अपने जो जमहूरियत का, हमारा जो वजीर आजम है, वजीर आजम का, उसको हुक्मरा कहते हैं। जमहूरियत में किसी इंसान को हुक्मरा कहा जा सकता है, कहा जा रहा है। अब सोचिए ना, कहाँ है ये राज नहीं कर रहे क्या? राज करने के लिए जरूरी है कि बस ये अपना और पराया बनाने की लड़ाई है। आपको लगता है ये बदला हो रहा है? ये सब बदले की बात नहीं है, बदला कोई नहीं लेना चाहता। उनको सिर्फ हाथ से अपनी ताकत से मतलब है, वो उसको लपेट के किसी तरह से कहेंगे। जैसे आदम गांधी साहब का शेर है, गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। इस बात को कोई तो जवाब दे मुझे, गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। और देखिए आदम गांधी साहब एक और बात कहते हैं कि चांद है जेरे कदम, सूरज खिलौना हो गया, हाँ मगर इस दौर में किरदार बौना हो गया, शहर के दंगों में जब भी मुफलिसों के घर जले। कभी अमीरों के घर में आग नहीं लगती, आज तक ऐसा दंगा नहीं हुआ जिसमें टाटा अंबानी के घर में आग लग गई। शहर के दंगों में जब भी मुफलिसों के घर जले, कोठियों के लॉन का मंजर सलोना हो गया। यही होता है, वो किसी भी तरीके से बांट देंगे। जैसे अभी तो हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान नहीं है, वहां पे क्या करते हैं? अहमदिया सैयद बांटेंगे, बस किसी भी तरीके से बांट देंगे कि तुम एक नहीं हो। यूएस में जब इलेक्शन आते हैं तब क्या होता है, किसी ना किसी कंट्री पे अटैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने दुश्मनों को दुश्मन बनाया जाता है बार बार आपके लिए, और हर बार वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा अब आपका नया दुश्मन ये है। अभी दलित दुश्मन नहीं, अभी दलित तो अपने भाई लोग हैं, अभी तो मुस्लिम दुश्मन है, अभी मुस्लिम दुश्मन नहीं, अभी लड़कियां अपनी दुश्मन नहीं, अभी तो मुस्लिम दुश्मन है। जैसे ही इनका टैकल हो जाएगा, हाँ आप तुम दुश्मन हो, क्योंकि आवाम को दुश्मन मैं बता रहा हूँ बार बार, जबकि कोई दुश्मन है नहीं, दुश्मन बनाए जा रहे हैं। तो ये तो किसी भी धर्म, और इन लोग, ऐसा नहीं भारत में हो रहा, पूरी दुनिया में ही हो रहा साहब, कब नहीं हुआ दुनिया में, सभी ने, सारे राजाओं ने इसी तरह। कोई बंगाल पार्टीशन कोई नया आइडिया था क्या, जिस तरह से इन्होंने कश्मीर को काटा?
बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे लोग बहुत टाइम से कहते रहे कि इनको आपस में लड़ा दो, इससे इसको इससे लड़ा दो, ये लड़ते रहेंगे। अब देखिए कश्मीर मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा, पूछने वाला था अभी, कभी हो के आप इस सेंसिटिव मुद्दों पे लिखते रहते हैं, कश्मीर के बारे में क्या राय जी? कश्मीर के साथ तो 70 साल से धोखा कर रहे हैं, कश्मीर आसाम किसान लड़कियां इन सबके साथ, जो भी दबा तबका है जिसके साथ अन्याय होता रहा है उनके साथ अन्याय होता ही रहा है। मैंने अभी कविता सुनी थी उसमें उसकी जो लास्ट लाइन है, वैसे भी आदत है तुमको पिछले 70 सालों से। देखिए कश्मीर इतना बड़ा मुद्दा उठा था, अभी एक ऐसी चीज जो बार बार वो खुद कह रहे हैं कि सीए एनआरसी से भारत के रहने वाले नागरिकों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन भारत के रहने वाले नागरिक मैं तो हूं ना, मेरे को जिस चीज से परेशानी हो रही है उसकी बात नहीं कर रहे, उस बात से भटकाने के लिए एनआरसी सीए ले आए जिस चीज से भारत को फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो खुद ही कह रहे हो आप, जबकि हमको पता है क्योंकि मैं एक पोएट हूं, मैं कह सकता हूं कह क्या रहा हूं और कहा क्या है ये अलग हो सकता है। ब्याज निंदा अगर मैं कहूं बे दोनों पार्टी संत है राजनीति के, राम भरत और प्राण निकल गए दोनों के, देश की सेवा गलत करत गांव गलत कही और नई सरकार, तो इसको कहते हैं ये है ब्याज स्तुति अलंकार। मैं स्तुति तो कर रहा हूं लेकिन सबको सुनने वाले को पता चलेगा नहीं नहीं भाई इसने तारीफ नहीं है, किसने गाली दिया। तो ऐसे भाषा की इंट्रिकेसीज अगर यूज करके छोटे छोटे आदमी को, गरीब किसानों को जिनको पता नहीं है कि किस तरह से क्या होता, मोदी जी जो बोल, मोदी जी न्यूज हो गए, मोदी जी जो बोल दे वो सच हो जाता क्योंकि वो आदमी जाके क्रॉस चेक नहीं करने वाला। जब ऐसा कोई मामला होता है ज्यादातर निकल के आती है, इसको धार्मिक रंग तो दिया ही जा रहा है वो तो स्पष्ट है, जय श्री राम के नारे लगते हैं, आप भी शायद हिंदू हैं, आप हिंदू हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप हिंदू हैं, मुस्लिम लोगों के साथ खड़े हैं वहाँ पे जाके, वो जो संघर्ष है सही है गलत है वो बात बात की है, लेकिन बहुत सारे हिंदू लोग हैं, बहुत सारे सिख लोग हैं जो वहाँ पे जाके खड़े हुए हैं उन लोगों के साथ, मुस्लिम लोगों के साथ, पर उनका जब खिलाफ करते हैं, उनका जो खिलाफ बोलते हैं तो वो तकिया कलाम देते हैं जय श्री राम, भी हम जय श्री राम बुलाएंगे, ये क्यों होता होगा जी साहब? देखिए एक बच्चे ने एक वीडियो वायरल हुआ था, एक बच्चा स्कूल में स्पीच दे रहा था 15 अगस्त से 26 जनवरी, उसने कहा कि गांधी के राम से किसी को डर नहीं लगता, लेकिन अभी जो हे राम जो गोडसे का राम उसे सबको डर लगता है, राम का मतलब बदल देगा। मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छी कविता लिखी है राम को स्थापित करने के लिए कि क्या राम है, किस राम राज्य की बात करते हैं, तो खैर वो कविता तो मैं क्या अगर वक्त होगा तो मैं सुना दूंगा, लेकिन बात यह है कि हमको हटाया गया, जैसे हिंदू राष्ट्र अगर जिस चीज़ को राम राज्य कहते हैं उसका मतलब ये तो नहीं था ना कि कोई सुखी नहीं रहे या कुछ लोग ही सुखी रहे, राम राज्य कहते उस बात को थे जिसमें सब सुखी हो, ये मेटाफर था, जैसे अभी शाहीन बाग को कहते हैं जहाँ सब सेफ हो, वो शाहीन बाग हो गया वो जगह, तब कह रहे हैं तक शाहीन बाग बना देंगे, तो वैसे ही राम राज्य था जहाँ सब खुशी हो। अभी आदम गांधी साहब कहते हैं 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश के आज़ाद है, तो वो बनाने के एक आइडिया को लेके जहन की लूट कहते हैं हबीब जालिब साहब इसको, उनके दिमाग से निकाली इनकी परवरिश गलत हुई है, और मेरी वहां से बहुत सारी ये जो हिंदू महासभा के लोग थे ना उनकी उनका जो आइडिया, और मैं इनकी दाद देता हूँ इनके कमिटमेंट की, पिछले 70 सालों से एक आइडिया पे टिके हुए हैं, पूरी दुनिया बदल गई इनके आसपास, ये लोग नहीं बदले, इतने जड़ मतलब ना कि बिल्कुल, जिसने कभी एक गालिब का शेर है कि दायम दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं, ये वो दायम पड़े हुए पत्थर जो बिल्कुल नहीं बदलना चाहते, और ये अपने बच्चों को सिखाते। मेरे साथ मैंने अपने जैन दोस्त मतलब मैं काफी घूमता रहता था बचपन से, मैंने अपने जैन दोस्तों को अपने ब्राह्मण दोस्तों को देखा है कि वो मेरे साथ नहीं खाएंगे, मेरे घर पे अभी मैं दलित हूँ मैं ऐसी क्या कम्युनिटी से आता हूँ, मेरे घर पे गांव से पटेल आते हैं वो हमारे घर का पानी नहीं पीते, हमसे डील कर रहे हैं हमारी जमीन वो किराए पे लेंगे 1-2 साल रखेंगे लेकिन हमारे घर का पानी नहीं पिएंगे, ये कहाँ ये किस 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 चीज़ की बात कर रहे थे हम इक्वालिटी की, कहाँ आई वो ज़मीन पे, कभी तो लानी पड़ेगी ना कभी, वो जो वादे थे कि एक दुनिया यूट्यूब पे, मैं अभी एक दोस्त से बात कर रहा था वो कह रही थी कि एक ये बस एक आदर्श दुनिया है,
तो ऐसा होता नहीं। मैं कहा तभी तो मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसी आदर्श दुनिया की वजह से तो हम जंगलों से निकल के यहाँ आए थे। इसी आइडिया को तो बोला था कि ऐसा बन जाएगा, कब बनेगा बताओ ना। जो उलझकर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में? बूढ़ा बरगद साक्षी है कि किस तरह से खो गई रमसुदी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। घर तक नहीं रह रहे लोगों के। ऐसे जो जिस बात में आप मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये तो सचमुच बहुत सोचने वाली बात है कि कब होगा वो दिन के जिसका वादा था वो कब आएगा। कोई ला के नहीं देगा, एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि हम बड़े मुद्दे हैं कि हम आजाद हैं। अगर कोई ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, आजादी के जो मुख्य मायने हैं वो तो मिल ही नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जो स्पीच दिया था, जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी हो गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग पूरी हो गई थी, उन्होंने कहा था कि सोशल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हमने ला दी, मतलब सबको वोट देने का हक है और सबका वोट एक माना जाएगा, लेकिन इस एक का मतलब सबके लिए बराबर हो, सोशल डेमोक्रेसी हो, कि अंबानी का वोट, टाटा का वोट और मेरा वोट, आपका वोट बराबर हो, ये उसका मायने बराबर हो, असली स्पिरिट में मायने बराबर, काउंट तो एक होगा। लेकिन अंबानी जिसको अगर कल मैं अमिताभ बच्चन पर ट्यूब डाल दे कि मैं इसको वोट डाल रहा हूँ, आधे लोग उस तरफ चले जाएंगे। आप कंट्रोल कर रहे हो इलेक्शन बहुत सारे तरीकों से, पैसे, इलेक्टोरल बॉन्ड रिफॉर्म कर रहे हैं, 90% पैसा उन लोगों ने रख रखा है, सबको स्ट्रिप कर रखा, वो सारे खर्चे पैसे कहाँ जा रहे हैं? आईटी सेल में मेरा एक ही कंपनी है, एबीएम, एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स, मेरे आईआईटी के काफ़ी दोस्त हैं उसमें काम करते हैं, इतने शार्प लोग साहब, मेरे को खुद लगता है कि मैं कंट्री का वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन, जिसको पूरी दुनिया मतलब अपने मतलब सिर आंखों पर चढ़ा ली, इतना फाइन ब्रेन जिसमें ताकत है कि वो अकेला पूरा मुल्क बर्बाद कर सकता है अगर वो अपनी जिद पर आ जाए तो, वो इनके लिए पैसों इनके सिक्कों में तो ले हुआ। मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि चौरे तू बता तेरे को कौन सी अफवाह उड़ानी है, कल वो उड़ा दूंगा। तू बोल के तू अमित शाह की चप्पल चोरी होगी, बोल रहा है कि अगर ये तू बोल देगा कि करवा दूंगा अभी करवा देते हैं, एक मैसेज करना। ये अगर आपके साथ हो रखा है तो आप सोचिए कितने खतरनाक जगह पे हो आप। ये लोग कब क्या कर दें आपको पता नहीं, क्योंकि ये लोग बिक चुके हैं और बहुत शार्प हैं। नवीन जी, आप अंदर एक परफॉर्मेंस में एक बात कह रहे थे, मॉब लिंचिंग में जो आपकी कविता है बहुत मशहूर हुई, आपने उसका बड़ा आपका नाम बना उससे, खैर उसमें आपने बहुत अच्छे मुद्दे भी उठाए, उसे किसी से आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, तो वो बड़ा रोप के बता रहा है कि मतलब नहीं नहीं मुझे नहीं पता साहब, क्यों पूछ रहे हैं अभी सड़क पर खून क्यों है, मैं क्यों बताऊँ? क्यों लगता है कि एक सामने बैठे हुए इंसान को इंसान ही क्यों नहीं दिखता ऐसे गिरा हुआ? ये मानसिकता में खुद वो इंसानियत मर गई है, वो डर गए, वो लोग डर हो पैदा हो गया देश में। नहीं जी साहब, डर तो हमेशा लगेगा। देखिए डर नेचुरल है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। अगर कोई साम आपके पीछे कुत्ता भागेगा तो ऐसा नहीं है कि आप छाती चौड़ कर, आपको डर लगेगा, लेकिन फिर आपको सोचना भी पड़ता है उस डर से ऊपर उठ के। ये इंस्टिंक्ट है, एनिमल इंस्टिंक्ट है, लेकिन आप एनिमल नहीं है, आप होमो सेपियंस है, आप समझदार इंसान कहते हैं, तो आप सोचेंगे कि मैं दो कदम तो भाग लिया लेकिन मुझे भागना चाहिए क्या? आप रुकेंगे और देखेंगे कि इस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए। तो ये अभी वो सिचुएशन भाग नहीं के, लोग भाग नहीं रहे साहब। एक संवेदना जिस चीज़ को कहते हैं, मर्म कहते हैं हिंदी में, संवेदना कहते हैं, एहसास कह सकते हैं इंग्लिश में, एम्पथी कहते हैं, उसकी बहुत तेजी से गिरावट हुई हमारे समाज। डर से हुई? डर से नहीं हुई, वो इंडिफरेंस से हुई। हम अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। बात यह कि सब इतना मुश्किल है। सरकार की क्या जिम्मेदारी है फिर इसमें? सरकार की जिम्मेदारी तो सब सरकारों की जिम्मेदारी है। अभी तक इतने दिन से सिर्फ पावर पॉलिटिक्स चल रही है भारत में, कि कैसे जैसे तैसे सत्ता हाथ में रख ली जाए। वो पॉलिटिक्स अभी शुरू भी नहीं हुई कि जहां कैसे जैसे तैसे आखिरी आदमी तक उसका हक पहुंचाया जाए। 1992 में राजीव गांधी ने कहा था कि अगर सरकार 100 रुपये निकालती है गरीब के लिए तो उस तक 1 रुपये पहुंचता है। अब खुद सोच के देखिए अब क्या हालत होगी। तो कब सरकार की जिम्मेदारी है कि हर आदमी तक पहुंचे? पढ़ने के लिए पंजाब में
अंबाला से बच्चे को यहाँ चंडीगढ़ क्यों आना पड़े, अंबाला में क्यों नहीं अच्छा कॉलेज, मुझे क्यों दिल्ली आना पड़े, क्यों हर शहर में, मेरा देखिए मेरा कंधा हिला हुआ है, मेरे पास पिछले 3 सालों से इलाज के पैसे नहीं है, क्यों क्यों बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली कि एक बच्चा जाके अगर उसकी कोई मतलब है कि आपको डर लगता है अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। हमारे घर में हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास सच में कुछ नहीं है, उनके घर में ये डर रहता है कि अगर किसी को बड़ी बीमारी हुई, किसी को कैंसर हो गया तो बाप हार्ट अटैक से मर जाएगा, कहाँ से लाएंगे पैसा, क्यों नहीं मिली वो बुनियादी सुविधा अभी तक, वो तो सरकार की गलती है, किसकी और की गलती होगी। नवीन जी दी एक बहुत कमाल दी जो किताब आई है जो 13 फरवरी नू रिलीज़ हुई है, कोरा गना है, ये एक आखिरी सवाल कर लेंगे, कोरा गना है ये तुसी फिर कहता कि धुंध बहुत है, ये फिर तुसी शायद वह जी चीज़ा कट्ठिया चक्कियां होनगियां, पर तुहानू लगता नहीं कि कई जड़े एम्प्टी माइंड्स ने, आपको ऐसा लगता कि जो जिनमें अभी कुछ नहीं हमने डालना है तो उनमें कुछ ऐसी इनकलाब वाली बातें डाल के हम खराब कर रहे हैं, और इस किताब के बारे में ज़रूर बता देना जी। देखिए जैसे इसका नाम है कोहरा गना है, दुष्यंत कुमार जो हमारे मतलब मैं गुरु भी कहता हूँ उनको, तो उनका शेर था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह का, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है, हो गई है घाट पर पूरी व्यवस्था, हो गई है घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है, इस कदर कीचड़ बिछी है इस सड़क पर, हर किसी का पांव घुटने तक सना है, रक्त वर्षों से रगों में खौलता है, 70 साल का गुस्सा है ये जो भी आपको हर तरफ दिख रहा है, रक्त वर्षों से रगों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है, क्षणिक उत्तेजना, ये बहुत दिन का ऑपरेशन है जिसके खिलाफ, और सिर्फ एक खिलाफ, एक सरकार के खिलाफ नहीं, और मेरे ख्याल से हम जो एक मुशायरों में कल्चर कहा जाता था, अभी पहले तो था अभी भी थोड़ा बहुत बाकी होगा, कि मुशायरों में कवि सम्मेलनों में माएँ अपने बच्चों को भेजती थी कि जा कुछ सीख के आएगा, वहाँ पर ज़िंदगी जीने के सलीके सीखेंगे, अच्छा इंसान बनेगा, आदमी से इंसान बन पाएगा, जैसे गालिब कहते थे आदमी को मैसर नहीं इंसान होना, तो वहाँ मैसर हो रहा था, अब प्रोटेस्ट साइट पे लोग जाते हैं, माएँ अपने बच्चों को लेकर आती, बच्चे सीख रहे हैं वहाँ पे, लोग पढ़ रहे हैं, जो अनपढ़ औरतें हैं वो पढ़ रही हैं, उनको पढ़ना लिखना सीख रही हैं, वहाँ पे बैठ के रात भर बैठ के क्या कीजिएगा, अब ये सब कर रहे हैं। शाहीन बाग में गया तो उनसे छोटे छोटे बच्चे पोस्टर बना रहे थे, उनके माँ बाप से बात की तो वो कहते हैं हम इनको सिखा रहे हैं, मैंने कहा भी आप इनको सिखा रहे हैं कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि सारी उम्र प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब सोचिए जो बच्चा 5 साल की उम्र में, मेरे को एक बाजी बता रही थी कि उनका बच्चा एकदम नींद में उठा और चिल्लाता हम क्या मांगे आज़ादी, आज़ादी करके चिल्ला रहा, अब इस बच्चे को जब अच्छे संकेत है, बहुत अच्छे, यही तो चाहिए था, ये 20 साल पहले 30 साल पहले हुआ होता तो अब सोचिए हमारे माँ बापों ने जान ले रखी होती सरकारों की, बात है कि हम चढ़ते नहीं इनके जान पे, जब तक इनको पकड़ के नहीं रखो हम चुन के भेज देते हैं और ये करते रहेंगे, इन पे पूरे टाइम इनके सर पे चढ़ा रहना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, ये सीख करो, ये ठीक करो, ये ठीक करो, तब जाके चीज़ें सुधरती। तो ये बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, अब जैसे कि बड़े हो जाएंगे, अब इनके माँ बाप इनको किसी इसके, अब वो लड़की जिसने इंकलाब के नारे लगाए हैं, जिसने बोला कि शादी करने की आज़ादी और ना करने की आज़ादी, जब उसके माँ बाप उसे शादी का प्रेशर डालेंगे आपको लगता है वो सुनेगी, तो लोग पूछते हैं इसका असर क्या हो रहा, असर हो चुका है साहब, इन बच्चों में घुस गया इंकलाब, यही तो बड़े होंगे, बाहर से थोड़ी लाओगे लोग, ये बड़े होंगे, और जो हिंदुस्तान बनेगा आज से 20 साल बाद उसमें हर बच्चे ने 5 साल की उम्र में आज़ादी के नारे लगाए, उसको मालूम है 20 साल में तो वो सरकारें गिरा देगा। जाते जाते एक आखिरी सवाल है आपसे, केजरीवाल दिल्ली में सरकार बनी है, आप लेफ्ट लोगों के जो उनको वैसे आप उनके जहाँ पे आप संबोधन करते हैं परफॉर्म करते हैं वहाँ पे ज्यादातर लोग लेफ्ट होते हैं जरूर, वही बात है, यही तो खूबसूरती है, मैं लेफ्ट का नहीं हूँ,
मैं वहाँ जाके वहाँ पे मैं अभी क्या नाम है उसका पील खाना, वो कलकत्ता में एक जगह वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे एक भाई सकलेन भाई वो सीपीएम के हैं, एक तृणमूल कांग्रेस के हैं, एक तृणमूल कांग्रेस छोड़ के हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, एक कांग्रेस के हैं, एक बीजेपी के तीन लोग छोड़ के आए हुए हैं, सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। केजरीवाल की जीत आपको क्या संकेत देती है, क्या खुश हैं आप एज अ कवि उस जीत से खुश हैं? जी केजरीवाल की जीत से ज़्यादा खुशी है कि लोगों ने समझदारी दिखाई है। बात यह कि दो ऑप्शन थे, जैसे जब अभी लोकसभा का इलेक्शन था तब ये नारा काफ़ी उठा, एक बात काफ़ी उठी कि मोदी नहीं तो कौन और, कोई और। इस बार वो नारा उठा कि नहीं नफरत नहीं, नफरत की बात पे नहीं देंगे हम वोट, किसी भी और बात पे देंगे, भले ही उसने काम किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता। और उसकी दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखिए दिल्ली में जब केजरीवाल साहब की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, वो पार्टी अस्तित्व में कैसे आई? दिल्ली का आवाम सेट हुआ है। 2011 में जो आंदोलन हुआ उसमें आम आदमी पार्टी ने, अन्ना हजारे और इंडिया गैस करप्शन जो आंदोलन चला उसने लोगों के अंदर एक सामाजिक चेतना विकसित की। उनको पता चला कि हमारे वोट देने से हम 15 साल के एक मुख्यमंत्री को 22,000 वोट से ऐसे ही हरा देंगे, एक नया आदमी आके हरा देगा जिसको कोई मान ही नहीं सकता। कभी सबने मना किया कि यार ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला, अभी 2 दिन की बात है, नए लोग हैं, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। अब उनको पता है कि उनके वोट देने से बदलता है, अब कोई भी सरकार, अब तो मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी भी आ जाना दिल्ली में, काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग नहीं मानने वाले। एक बार सपना दिखा दिया ना उसको कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, तो अब वो उससे नीचे मांगेगा नहीं, वो और ऊपर जाना है। बहुत शुक्रिया की पॉलिटिक्स शुरू हुई है भारत में, तो मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया नवीन जी अब हमें समय देने के लिए, और दुआ करते हैं कि आपकी किताब को बहुत नाम ना मिले और बहुत लोग पसंद करें। नाम का तो खैर मैं क्या ही कहूँ, नाम तो एक जुमला चलता है हमारे अदब में लिटरेचर में कि मुकम्मल नज्म शायर की नहीं आवाम की मिल्कियत होती है। तो अगर जो कंप्लीट मुझे लगा कि अपनी तरफ से हाँ ये वाली बात पूरी हो गई है, इसमें एक समग्र चित्रण है, वो मैंने दे दिया। अब वो क्या करेगी वहाँ जाके कि कौन याद करता है कौन याद नहीं करता, पर मैं चाहता हूँ एक बार ध्यान दे, क्योंकि कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं। वो इतना कोहरा, ये जो टाइम है अभी ये शायद इमरजेंसी से भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टाइम है। मुझे नहीं पता अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, किसी को नहीं पता भारत कहाँ जा रहा है, क्या भविष्य है। एक तरफ लगता है कि अरे हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा, अगर थोड़ा सा इधर चला गया तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, थोड़ा सा इधर चले गए तो सेकुलर सच में सेकुलर हो जाएगा, थोड़ा सा सीधा चले गए तो सच में सेंट्रलिस्ट हो जाएगा, कुछ सब लोग में समझ आ गई तो सच में गरीब को हक मिल जाएगा, अगर नहीं सब लोग सोते रहे तो सच में गरीबों को पूरा हटा देंगे। तो बहुत कन्फ्यूजिंग टाइम है, क्या होने वाला पता नहीं। तो उस कोहरे में कुछ कुछ देखने की कोशिश है, इसे कोहरा घना है, तो देखिए अगर आपको आप देख पाए तो बहुत खुशी होगी मुझे कि मैं सक्सेसफुल हूँ। बहुत शुक्रिया जी। एस एन नवीन चौरे, इन्होंने ये किताब आई है कोरा घना है, ये मन्ने जाते ने इस यहोजी चीज़ों के सरकार के हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, तो जो प्रोटेस्टर्स ने उन्होंने हक के इन्होंने बहुत सारी आवाज़ उठाई है। एक इन्हों की कविता जो मैं स्टार्टिंग दसी सी कि भीड़ थी कुछ लोग थे, जो भीड़ के नाल लंघते लोग अजक आपकी रंजिश क्ढन के लिए लोगों को मार देंगे ने, उन्होंने खिलाफ एक बड़ी वीड्डी आवाज़ उठाई सी। और नवीन शौर्य जी की एक किताब है कोरा गना है, ये तुम कितों खरीद सकते हैं? अमेजॉन पर ले सकते हैं, बाकी ऐसी किताब बुक स्टोर पर भी होगी। अमेजॉन तो तुम एक किताब खरीद सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद कैमरामैन आनंद के नाल, मैं गुरपाल सिंह बराड़, डेली पोस्ट पंजाबी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। 4 लाख तो भी घट खर्चे जेकर तुसी जाना चाहते हो कैनेडा या यूके, आयल्स नाल या बिना आयल्स तो, एक बार फ्लाईराइट वीज़ा कंसल्टेंट दे लुधियाना ऑफिस या चंडीगढ़ ऑफिस आके मिलो या सानू कॉल करो 98156085।